गाइस आज की इस वीडियो में हमारे पास है नॉइस की तरफ से रिसेंटली लॉन्च की गई नॉइस कलरफिट आइकन 2 स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट के साथ। सो यहाँ पे इसको यूज करने के बाद एक कंप्लीट रिव्यू जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस को लेकर। अगर आप लोग जो है इसका सेटअप गाइड देखना चाहते हैं, इसमें जो फंक्शंस है उन्हें कैसे यूज करना है, ऐप वगैरह को कैसे यूज करना है, तो उसका सेपरेट वीडियो जो है चैनल पे आ चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। गाइस बात करें बॉक्स कंटेंट की तो यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, यूजर मैनुअल है, साथ में एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। बात करें स्मार्ट वॉच के कुछ की फीचर्स की तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में एक तो ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही जो डिस्प्ले साइज है वो भी बड़ा है, इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच जो है रेक्टेंगुलर डायल के साथ देखने को मिलती है, सिलिकॉन स्ट्रैप यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है और रेगुलर साइज का ये स्ट्रैप देखने को मिलता है, और जो डायल है पॉलीकार्बोनेट का ये डायल आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो बॉडी है वो मेटलिक बॉडी यहाँ पे दी गई है। और एक अच्छी बात यहाँ पे मुझे ये लगी कि स्मार्ट वॉच के साथ आपको टेम्पर ग्लास जो है स्क्रीन पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत कम स्मार्ट वॉच के साथ ही देखने को मिलता है, और साथ ही अगर आप स्मार्ट वॉच पे बाहर से लगवाने जाते हो तो आसानी से मिलते भी नहीं है। साथ ही IP67 की रेटिंग्स यहाँ पे दी गई है, तो वॉच जो स्प्लैश प्रूफ या वाटर प्रूफ आप बोल सकते हो, लेकिन स्विमिंग वगैरह में आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। एंड स्मार्ट वॉच जो है मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही आइडियल है। बात करें स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 1.8 इंचेस की बिग डिस्प्ले देखने को मिलती है, और वाकई में डिस्प्ले का साइज जो है काफी सही है, बड़ा है, और साथ में यहाँ पे आप बेजल्स भी देख सकते हो, जो आप रेगुलर स्मार्ट वॉच देखते हो उनमें आपको थिक बेजल्स देखने को मिलते हैं, तो उनसे अगर हम कंपेयर करें तो काफी हद तक बेजल्स का साइज यहाँ पे ठीक देखने को मिल जाता है। पीक ब्राइटनेस 500 निट्स की दी गई है, तो इंडोर तो कोई इशू है ही नहीं, आउटडोर भी एज सच आपको कोई इशू नहीं आने वाला, डायरेक्ट सनलाइट में आप जो है विजिबिलिटी सही रहने वाली है स्मार्ट वॉच की। सो यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले साइज है काफी सही मुझे लगा, और साथ में हल्के कर्व एजेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डिस्प्ले में, और 60 प्लस स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये जो स्पोर्ट्स मोड है इनबिल्ट ही दिए गए हैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच में ही, आप जो है उन्हें ऐड और रिमूव कर सकते हो, ऐप में जाके आपको कुछ भी जो सेटिंग्स है वो चेंज नहीं करनी होंगी। साथ ही स्लीप ट्रैकिंग और स्टेप काउंटर वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टेप काउंटर जो है काफी हद तक आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। साथ ही स्मार्ट वॉच से आप जो है म्यूजिक और कैमरा रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, कैमरा वही कंट्रोल कर पाओगी जो एप्लीकेशन में आपको फंक्शन मिलता है फोटोज क्लिक करने का, जो स्मार्टफोन का ऑफिशियल कैमरा ऐप है उसे आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाओगे। साथ ही हर्ट रेट और SPO2 मॉनिटरिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, और मैंने पल्स ऑक्सीमीटर के साथ जो है इन्हें चेक करके देख लिया है, तो रीडिंग्स जो है काफी हद तक सही आती है, बाकी स्ट्रेस मॉनिटर या फिर बॉडी टेम्परेचर जैसे फीचर यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। बात करते हैं स्मार्ट वॉच के की फीचर की, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और गाइस जो ब्लूटूथ कॉलिंग है काफी हद तक मैंने बहुत अच्छे से इसे यूज करके देख लिया है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी यहाँ पे आपको रिसीव होगी, और आप जब माइक में बोलोगे तो दूसरी तरफ भी काफी क्लियर जो है साउंड जाने वाली है, तो ब्लूटूथ कॉलिंग में आपको कोई भी इशू नहीं होगा, और वॉच से ही आप जो है कॉल्स वगैरह डायल भी कर पाओगे। बाकी जो भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन है जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और गाइस एक बात ये कि जो जैसे आपको रिसीव होता है फोन पे नोटिफिकेशन, तुरंत यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच पे भी देखने को मिल जाता है, तो ये स्पीड भी बहुत सही है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका फोन वाइब्रेट करेगा उसी वक्त यहाँ पे भी आपको जो है वॉच पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको AI वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच के थ्रू जो है कमांड्स दे सकते हो वॉइस असिस्टेंट को, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा वो स्मार्टफोन के स्पीकर से मिलेगा, ना कि आपको वॉच का जो स्पीकर है उससे रिस्पॉन्स सुनने को मिलेगा। बाकी स्मार्ट वॉच में अच्छा खासा वाइब्रेशन अलर्ट दिया गया है, साथ में फ्लैशलाइट भी यहाँ पे मिल जाती है। बात करें वॉच फेसेस की तो यहाँ पे 100 प्लस वॉच फेसेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, 4 से 5 जो है इनबिल्ट आपको स्मार्ट वॉच में मिलते हैं, बाकी इसके अलावा एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप जो है कस्टमाइज वॉच फेस भी यूज कर सकते हो, जैसे अपनी फोटो वगैरह लगाना चाहो तो इजिली ऐप की हेल्प से लगा पाओगे। और गाइस स्मार्ट वॉच में मैक्सिमम आप 20 सेकंड्स तक का जो डिस्प्ले टाइम है वो रख सकते हो, और इसकी सेटिंग्स जो है आप एप्लीकेशन से ही कर पाओगे, इनबिल्ट आपको कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा। साथ ही जो रिंगटोन है वो भी यहाँ पे एक फिक्स है, उसे भी आप चेंज नहीं कर सकते, बस यहाँ पे अलग अलग मोड आपको मिल जाते हैं जैसे म्यूट, रिंगटोन एंड वाइब्रेशन, तो ये कुछ मोड आप स्मार्ट वॉच से ही ऑन कर सकते हो, बट रिंगटोन नहीं चेंज कर सकते। और यहाँ पे रेस टू वेक का फीचर मिल जाता है, और बहुत ही अच्छे से काम कर लेता है, बट यहाँ पे आपको जैसे बहुत स्मार्ट वॉच मैंने देखी है जिनमें जैसे ही आप अपना हैंड नीचे लेके जाते हो तो डिस्प्ले बंद भी हो जाता है, तो वो फीचर यहाँ पे मिसिंग है, तो वो जो है यहाँ पे जरूर से होना चाहिए था, क्योंकि बैटरी जो है काफी हद तक उससे सेव होती है। स्मार्ट वॉच के फंक्शनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे टोटली टच कंट्रोल आपको मिलता है, बाकी एक बटन मिलता है इससे आप जो है डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हो मैन्युअली,
बाकी ऐसा नहीं है कि आप टच करके डिस्प्ले को वेकअप कर पाओ, ऐसा कोई फीचर नहीं मिलेगा। साथ ही स्मार्ट वॉच में फाइंड माई फोन का फीचर भी दिया गया है, जिससे आपका फोन अगर आप कहीं पे रख के भूल गए हो तो यहाँ से इजिली फोन को सर्च कर पाओगे। और स्मार्ट वॉच को फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको कलर फिट ट्रैक एप्लीकेशन का यूज करना होगा। जो नॉइस है इसकी अलग अलग एप्लीकेशन आती है, लेकिन कलर फिट ट्रैक से ही आप इसे जो है पेयर कर पाओगे। साथ ही गाइस, अगर आपको कॉल्स वगैरह रिसीव करनी है स्मार्ट वॉच पे, तो अलग से आपको एक बार जो है ब्लूटूथ में जाके इस स्मार्ट वॉच को पेयर करना होगा। स्मार्ट वॉच जो है iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के साथ ही कंफर्टेबली कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट दिया गया है, यानी कि कोई भी मैसेज वगैरह हिंदी में आएगा तो इजीली आप पढ़ सकते हो, ये एक अच्छी बात है। साथ ही 2 मिनी गेम्स यहाँ पे आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं। बात करूँ इसके UI एंड टच एक्सपीरियंस की, तो ये बहुत ही ज्यादा बेटर मुझे लगा। बिल्कुल स्मूथ जो है UI का एक्सपीरियंस रहने वाला है, और टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लैग वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगा या फिर आपको हार्ड प्रेस करना होगा टच के लिए, दोनों जो है बहुत ही स्मूथली वर्क करते हैं। और बात करें फाइनली स्मार्ट वॉच के बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल यूजेज में कम से कम 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप इंटेंस यूज करते हो तो वही 3 से 4 दिन का बैकअप मिलेगा, और चार्जिंग टाइम जो है कम से कम आपको 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पे लगने वाला है स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने में। और गाइस, ये सभी जो चीजें हैं मैंने अपने यूजेज एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। और गाइस, अब बात करें फाइनल कंक्लूजन की, तो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच जो है मैंने फर्स्ट सेल में बाय की थी फ्लिपकार्ट से, तब इसका प्राइस मुझे पड़ा था 2500 रुपीज। और जब मैंने इसे रिसीव किया और यूज किया तो 2500 के बजट में सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच मुझे ये लगी थी, चाहे इसकी मैं ब्लूटूथ कॉलिंग की बात करूँ, कनेक्टिविटी की, टच रिस्पॉन्स की। बट अब फिलहाल जो इसका प्राइस है फ्लिपकार्ट पे 6000 आपको देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बजट हो गया। और अगर आपका बजट इससे कम है तो आपको एक बोट वेव कनेक्ट और स्मार्ट वॉच आती है, फिलहाल उसका प्राइस है 3000 रुपीज़, और उसमें भी सेम फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इससे बेटर मुझे वो लगी अगर हम प्राइस को देखें तो। हाँ, हालांकि ये स्मार्ट वॉच थोड़ा उससे बेटर है टच रिस्पॉन्स के मामले में या फिर ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह के मामले में, बट अगर प्राइस आप देखोगे तो 3000 का यहाँ पे पूरा फासला मिलता है, तो उसके हिसाब से बोट वेव कनेक्ट बहुत ही सही स्मार्ट वॉच निकल के आती है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप बोट वेव कनेक्ट जो है ले सकते हैं, उसका कंप्लीट रिव्यू जो है चैनल पे है, पहले आप उसे अच्छे से देखिए, उसके फीचर्स वगैरह के बारे में जानिए, तब आप डिसाइड कीजिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी बोट वेव कनेक्ट जो है बेटर लगेगी अगर आप इसके साथ उसे कंपेयर करके देखोगे, फीचर्स के मामले में भी और बजट के मामले में भी। बाकी आप लोगों को अगर नॉइस की ही स्मार्ट वॉच लेनी है तो आप ले सकते हो, वॉच में जो है कोई भी कमी नहीं है, लेकिन बजट जो है थोड़ा यहाँ पे मुझे ज्यादा लगता है। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो नॉइस कलर फिट आइकन 2 स्मार्ट वॉच को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कीजिएगा, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।